हमीरपुर में बाहरी राज्यों से आए हुए हजारों लोगों को संभाल पाना समस्या बनता जा रहा है और इसी के चलते अब पुलिस के द्वारा भी सख्त कार्रवाई करने के लिए योजना बनाई है। हमीरपुर में बाहरी राज्यों से पहुंचे करीब 14,000 लोगों से हमीरपुर में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि गत 2 दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश से आए हुए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने से होम क्वारंटाइन लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। SP हमीरपुर अरजीत सेन ने होम क्वारंटाइन करने वाले लोगों से अपील की है कि लोग होम क्वारंटाइन करने के लिए नियमों का पालन करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक हमीरपुर में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। उन्होंने होम क्वारंटाइन करने वाले लोगों से आग्रह किया है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए होम क्वारंटाइन के पीरियड को पूरी तरह से पूरा करें। जो है हम बार बार रिपीट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, पर्सनली भी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई व्यक्ति, मान लो जैसे कि हमारा बीजड़ का ही मामला अगर देखे, तो वो व्यक्ति जो है जितने कम लोगों से कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना ईजिली कॉन्टेन हो सकता है हमारा ये कोरोना, अगर वो पॉजिटिव आता भी है तो। आपके माध्यम से मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप होम क्वारंटाइन को ना तोड़ें, होम क्वारंटाइन में ही रहें, और अगर कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम आती है या किसी हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ही होम क्वारंटाइन में रहेगा, इसलिए उनको सामान और चीज़ों की चीज़ें लेने के लिए, ग्रोसरी या सब्जी या दवाइयाँ लेने के लिए थोड़ी समस्या आ रही होगी, तो वो हम डिलीवरी करने का मैकेनिज्म के लिए वो लोकल प्रधान से, लोकल SDM से या लोकल पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी ये समस्या का जो है हल निकाला जाए। पर किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वहाँ से अपने होम क्वारंटाइन से निकलना जो है एक पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। हमने एक हेल्पलाइन भी खोल रखी है जिसका हमने जिस नंबर पे हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, जिससे हम ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके बाहर, घर के बाहर वो COVID-19 का जो एक स्लिप है जो सरकार के, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगा रहे हैं, वो व्यक्ति अगर फिर भी बाहर निकलता है और बाहर घूम रहा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए। वो हम बिल्कुल गोपनीय रखेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन, उसको मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, और इसके बदौलत हमने पहले कुछ FIRs भी रजिस्टर की हैं। 7 लोग जो हैं वो हमने 7 लोगों को जो है हमने आइसोलेशन क्वारंटीन में भी शिफ्ट किया और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की है क्योंकि उन्होंने ये होम क्वारंटाइन को वॉयलेट किया है। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको और भी आती रही तो हम उस पर एक्शन लेंगे। पर मैं यही आपसे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि होम क्वारंटाइन को किसी भी हालत में तोड़ने से अपनी खुद के लाइफ और बाकियों की लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। एक और जो एक क्वेश्चन कईयों में आ रहा है कि होम क्वारंटाइन की अवधि क्या है, ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दिशा निर्देश है जिसमें ये कहा गया है कि 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन और उसके बाद और 14 दिनों तक एक्सटेंडेड सर्विलेंस जो है वो की जाएगी। तो इसलिए मेरा आपके अनुरोध है कि 28 दिनों तक आप जो है अपने इस होम क्वारंटाइन की अवधि को पूरी तरह से फॉलो करें तो हम इस समस्या का जो है जल्द से जल्द हल निकाल सकते हैं। देखिए अभी तो हम यही, हमारे डायरेक्टिव से क्लियर ये है कि जितनी कम मूवमेंट बाहर हो उतना ठीक रहेगा। हालांकि इसके ऊपर हमको एक इशू ज़रूर आ रहे हैं कि ये क्या प्रोसेस है, पर फिर भी ग्रीन जोन से आने वाले व्यक्तियों को मूवमेंट अलाउड है या नहीं है वो हम फिर भी डिस्करेज कर रहे हैं। ये क्लियर है कि जो भी बाहर के स्टेट से यहाँ आ रहा है वो किसी भी हालत में 28 दिनों तक अपने घरों से बाहर ना निकले, ये क्लियर का डायरेक्टिव है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो वो अपनी मेडिकल टीम, अपने मेडिकल टीम या लोकल प्रशासन से जो है कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं इसके बारे में।